हेलो गाइस, तो वंस अगेन हम आ गए होंगे आप सभी के लिए क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर के। आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है मार्कोनी का रूल। जब भी आप रिएक्शन वगैरह आपसे बोर्ड में पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड एक दो नंबर का क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, वो भी एक ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक है हमारे पास में, नेगेटिव गोज टू लोअर अल्की। अभी आगे और जब बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है, नेगेटिव जो होगा वो लोअर अल्कीन के पास जाएगा। क्लियर? चलो, इतना समझ में आता है, बहुत बढ़िया। तो एक और कॉन्सेप्ट है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। साइमेट्रिकल एक अल्कीन होता है और एक होता है अनसाइमेट्रिकल अल्कीन। तो साइमेट्रिकल किसको बोलेंगे, अनसाइमेट्रिकल किसको बोलेंगे, उसको देख लेते हैं। सपोज देखो, यहां पे इसको हम अल्कीन बोलेंगे। क्यों? बिकॉज यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है तो उसको बोलते हैं अल्केन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है तो उसको बोलते हैं अल्काइन। बट यहां पे अल्कीन से, अल्कीन के रेस्पेक्ट में हम लोग को बात करना है। ओके, तो हम लोग को साइमेट्रिकल अल्कीन पहचानने आना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये साइमेट्रिकल अल्कीन हो गया। क्यों? ये तो डबल बॉन्ड को बस देख लेना है, और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में एक कार्बन है, इसके इस साइड भी एक कार्बन है, तो ये हो गया साइमेट्रिकल। अगर यहां से अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, यानी ये साइमेट्रिकल शो कर रहा है। ओके, अगर इसका हम रिएक्शन HCl एक्वस के साथ में कराते हैं, ओके, तो देखो ये क्या बनेगा। यहां पे रूल क्या कहता है ट्रिक के अकॉर्डिंग, कि नेगेटिव गोज टू लोअर अल्केन। HCl में अगर बात करें हम लोग, नेगेटिव कौन है, तो नेगेटिव हमारा कौन सा है, क्लोरीन है। तो नेगेटिव जो होगा वो कहां जाएगा, लोअर अल्कीन में। बट यहां पे अगर अल्कीन में हम लोग बात करें तो यहां पे देखें तो कार्बन के पास H2 है और यहां पे भी कार्बन के पास H2 है, तो यहां से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लोअर है और कौन सा लोअर नहीं है। यहां पे दोनों सेम है। ओके, अगर यहां पे 3 रहता और यहां पे 2 रहता तो हम बोल सकते थे कि ये वाला जो है वो लोअर अल्कीन है। बट साइमेट्रिकल के केस में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। उस केस में आपको जो नेगेटिव पार्ट है, यानी यहां पे क्लोरीन दे रखा है, वो आप जिधर चाहे उधर आप जाके जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो। तो यहां पे अगर क्लोरीन हम चाहें तो इस वाले कार्बन से भी जोड़ सकते हैं, और क्लोरीन को चाहें तो हम इस वाले कार्बन से भी जोड़ सकते हैं। चलो, अब देखो, अगर ये बॉन्ड सपोज हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, ये बॉन्ड को बता रहे हैं, अगर सपोज हम लोग ऐसे तोड़ते हैं तो होता क्या है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन अपने पास खींच लेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो आपको पता होगा, जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उस पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है, माइनस चार्ज डेवलप होता है, और उसके बगल वाले स्पीसीज पे प्लस चार्ज फॉर्म होगा। तो एक तो कंडीशन ये वाला हो सकता है कि ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींच ले तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, और एक और कंडीशन हो सकता है, सपोज अगर बॉन्ड को हम लोग चाहें तो इस साइड से तोड़ दे, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो माइनस चार्ज है वो इस कार्बन पे होगा और प्लस चार्ज जो है वो इस कार्बन पे आपको दिखेगा। यानी ये दोनों कंडीशन बन सकता है, इसलिए हम बोले थे कि जो क्लोरीन है वो आप चाहो तो आपकी मर्जी है, जिधर चाहो उधर जाके जोड़ सकते हो। क्लोरीन पे आपको क्या होता है, माइनस चार्ज फॉर्म होता है, तो आप चाहो तो यहां पे जोड़ दो इस कार्बन के साथ में, या फिर चाहो तो इस कार्बन के साथ में जोड़ दो। बात आपका बराबर है, जब उसका नाम लिखोगे तो उसमें कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये है हमारा साइमेट्रिकल अल्कीन। ओके, चल। और ये पॉजिटिव पार्ट है वो आप नेगेटिव वाले पार्ट के साथ में जोड़ सकते हो। ओके, चल। तो ये तो हो गया आपको HCl के साथ में, तो यहां पे बन गया क्या हमारा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, एंड इसको बोल सकते हैं इथाइल क्लोराइड। अगर वहीं हम बात करें सिमिलर, इसी के साथ में अगर रिएक्शन हम करा दे लोग HBr एक्वस के साथ में और उसको हम लोग हिट कर दें, तो देखो तो बन जाएगा हमारा इथाइल ब्रोमाइड। फिर सेम इसी के साथ में हम लोग अगर HI का एक्वस सॉल्यूशन के साथ में इसको हम लोग गर्म कर दें तो हमारा बन जाएगा आपको इथाइल आयोडाइड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखो यहां पे, ये फिर एक साइमेट्रिकल अल्कीन का ही केस बन रहा है। यहां पे पहले डबल बॉन्ड को देख लो, यहां पे डबल बॉन्ड है, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके इस साइड में भी एक कार्बन और इसके इस साइड में भी एक कार्बन, यानी दोनों साइड में एक एक कार्बन आपको दिख रहा है। अगर यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो कार्बन इधर भी दिखेगा, दो कार्बन इधर भी दिखेगा, यानी ये दोनों बात बराबर है, यानी ये भी क्या है, साइमेट्रिकल अल्कीन का केस बन रहा है। तो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिधर मन है उधर आप क्या कर सकते हो, ब्रोमीन को जोड़ सकते हो। तो अगर ब्रोमीन को हम लोग, अगर सपोज बॉन्ड इस साइड अगर हम लोग तोड़ते हैं तो जिधर बॉन्ड टूटेगा उधर नेगेटिव और इस साइड आपको प्लस आएगा। तो यहां पे अगर नेगेटिव आता है और यहां पे पॉजिटिव आता है
तो ब्रोमीन पे होता है माइनस, तो इसको आप यहां पे जोड़ दो और हाइड्रोजन को आप नेगेटिव पार्ट के साथ में जोड़ दो। सपोज अगर बॉन्ड यहां पे ऐसे टूटा हुआ है तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये ब्रोमीन जो है उस पे तो चार्ज माइनस होता है, तो माइनस वाला प्लस के साथ में और ये प्लस वाला माइनस के साथ में जाके जुड़ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। ओके, 1, 2, 3, 4 कार्बन है और इस साइड से ब्रोमीन नजदीक आ रहा है, तो इस साइड से ही कैलकुलेट, इस साइड से ही काउंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो बोलेंगे 1 और ये 2 पे है तो बोलेंगे 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। ओके चलो, फिर इसी के साथ में अगर हम रिएक्शन कराएं लो HCl के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में, तो हमारा बनेगा 2-क्लोरो-ब्यूटेन। फिर इसी का रिएक्शन अगर हम लोग करा दें, ये साइमेट्रिकल है इसीलिए कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट अनसाइमेट्रिकल के केस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, वो जस्ट हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं। तो ये HI के साथ में अगर एक्वस मीडियम में इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाएगा 2-आयोडो-ब्यूटेन। आई होप साइमेट्रिकल वाला कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनसाइमेट्रिकल वाले कंडीशन पे, वहीं से क्वेश्चन आपका आता है और वहीं पे सारा लोचा देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए अब आपका ट्रिक का यूज यहां पे हम लोग करेंगे और ध्यान दीजिएगा, ट्रिक था हमारे पास में नेगेटिव गोज टू लोअर अल्किन, यानी जो नेगेटिव पार्ट होगा वो लोअर अल्किन पे जाके क्या होगा, जुड़ेगा। ओके चल, तो चलिए अब ए साइमेट्रिकल केस देखने से पहले एक और आपके पास में एग्जाम्पल दिया हुआ है साइमेट्रिकल अल्कीन का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे भी आपको डबल बॉन्ड रिंग में देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्या हुआ, साइमेट्रिकल अल्कीन का केस बन रहा है। तो साइमेट्रिकल अल्कीन हम लोग बोल सकते हैं इसको, यहां पे भी आपको एच बॉन्ड है और यहां पे भी एच यहां पे बॉन्ड बना के है, आपको दिख नहीं रहा है, बट वहां पे हाइड्रोजन का एक बॉन्ड और यहां पे भी हाइड्रोजन का एक बॉन्ड ऑलरेडी आपको है। ओके चलिए, तो अगर हम यहां पे भी हम लोग नेगेटिव गोज टू लोअर अल्कीन अगर हम लोग ट्रिक लगाते हैं, तो यहां पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कहां पे लगाएं, क्योंकि ये भी क्या है, साइमेट्रिकल अल्कीन का केस है। ओके, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, यहां पे भी एक हाइड्रोजन है, तो हम ये नेगेटिव पार्ट को जिधर मर्जी उधर जोड़ सकते हैं और एक साइड में पॉजिटिव वाले पार्ट को जोड़ सकते हैं, यानी एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में आयोडीन जोड़ सकते हैं। तो अगर यहां पे हम लोग आयोडीन जोड़ देते हैं तो बोलेंगे इसको आयोडो साइक्लोहेक्सेन, तो एक तो ये कंडीशन बनेगा। अगर यहां पे आई हम लोग जोड़ते हैं तो यहां पे हम लोग को एच जोड़ना होगा, तो डबल बॉन्ड खत्म। और वहीं चाहे अगर हम लोग तो यहां पे हम लोग आई जोड़ दें यानी आयोडो ग्रुप, और यहां पे हम चाहे तो एच जोड़ दें, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। ओके चलो, तो अब हम चलते हैं जो मेन टॉपिक है हम लोग का, एसाइमेट्रिकल अल्कीन का केस, और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज्यादातर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसाइमेट्रिकल अल्कीन का केस। तो यहां पे देखिए, ये हो गया हमारे पास में क्या, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इधर और इधर, यानी ये तो अल्कीन है, अगर इसको हम डबल बॉन्ड को यहां से अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखेंगे तो इसके अल्कीन के एक साइड इधर एक ही कार्बन दिख रहा है, बट इस साइड में कार्बन कोई है नहीं, ये तो टोटल अल्कीन ग्रुप हो गया, इसके एक साइड में मिथाइल ग्रुप है बट इधर नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारे पास में साइमेट्रिकल अल्कीन का केस नहीं, असाइमेट्रिकल अल्कीन का केस। ओके, तो यहां पे रूल जो था वो ट्रिक से वो अप्लाई होगा, नेगेटिव गोज टू लोअर अल्कीन, तो नेगेटिव क्या है, Br है, तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा लोअर अल्कीन, और लोअर अल्कीन कैसे डिसाइड होगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे उसी को बोलेंगे लोअर अल्कीन। तो इस पे अगर हम देखें तो यहां पे कितना है, दो हाइड्रोजन है, तो यहां पे कितना है, एक ही हाइड्रोजन है, तो ट्रिक था नेगेटिव गोज टू लोअर अल्कीन, यानी नेगेटिव जो होगा यानी Br जो होगा वो कहां पे अटैक करेगा, CH इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहां पे इसको हम लोग जोड़ दिए CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br और बॉन्ड CH3, यहां पे CH2 था तो ये हाइड्रोजन वाला यहां पे आके जुड़ गया, तो ये हो गया CH3। अगर इसका हम लोग नोमेनक्लेचर देखें IUPAC तो बोल सकते हैं 2-ब्रोमो-प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 2-ब्रोमो-प्रोपेन हो गया। अगर इसी के साथ में अगर हम लोग HCl के एक्वस मीडियम के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता 2-क्लोरो-प्रोपेन। अगर सेम इसी के साथ में हम लोग रिएक्शन करा देते हैं एच आई का, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्वस मीडियम के साथ में, तो हमारा बन जाता 2-आयोडो-प्रोपेन। ओके चलो, अब हम लोग देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल को, तो यहां पे इसके साथ में रिएक्शन कराना है HBr एक्वस मीडियम के साथ में, तो फिर से ट्रिक वही है, नेगेटिव गोज टू लोअर अल्की, ये अनसाइमेट्रिकल केस बन रहा है। अगर इस कार्बन के
रेस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, बट इधर मिथाइल ग्रुप नहीं दे रखा है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप है, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एज अ ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये भी हमारा अनसाइमेट्रिकल अल्किन का केस बन रहा है, तो ये भी आपको रूल पे लगेगा। तो रूल हम लगाएंगे लोग क्या, नेगेटिव गोज टू लोअर अल्किन, यानी जो नेगेटिव है वो लोअर अल्किन पे जाएगा। तो अल्किन वाला पार्ट ये रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन दो लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, हायर अल्किन है, और ये वाला हमारा लोअर अल्किन हो गया। तो ये नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा हमारा। तो देखो नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन हमारा इस कार्बन से जुड़ गया और हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया, तो इसका नाम हम लोग क्या बोल दिए, टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन। फिर देखते हैं इस वाले एग्जांपल के लिए, इसका अगर रिएक्शन HCl एक्वस के साथ में कराते हैं तो आप एक टर्म पढ़े होंगे, आप उसके साथ भी कर सकते हो। आपको पता होगा कि 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री कार्बन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे अगर नेगेटिव पार्ट को हम जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, तो नेगेटिव पार्ट हमारा यहीं पे जुड़ेगा। और चलो अब रूल से करके बताते हैं। रूल बोल रहा है कि नेगेटिव गोज टू लोअर अल्किन, यहां पे जो है वो एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है, बट यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो लोअर अल्किन कौन सा हुआ, ये वाला कार्बन, तो ये क्लोरीन यहां पे जाके जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां पे जाके जुड़ जाएगा। ओके, तो क्लोरीन यहां पे जुड़ गया और हाइड्रोजन हमारा इस वाले ग्रुप पे जुड़ गया, और हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन हमारा यहां पे जुड़ गया और हाइड्रोजन हमारा इस वाले कार्बन से जुड़ गया। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में।